जिन आँखों की मस्ती के मस्तानी हजारों हैं, आज उन्हीं का यानी कि रेखा का जन्मदिन है। और आज रेखा के बर्थडे पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो आपको नहीं पता होंगी। रेखा ने तमाम फिल्मों में काम किया है और अपने हुस्न से हमेशा लोगों का दिल जीत कर बाकी अदाकाराओं को पटकनी दी है। आपने रेखा को हर किसी प्रोग्राम में मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा होगा। जबकि रेखा के पति का निधन हो चुका है, तो फिर वो कौन है जिसके लिए रेखा मांग में सिंदूर लगाती हैं? कुछ समय पहले रेखा की बायोग्राफी पर लिखी एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम रेखा द अनटोल्ड स्टोरी था। इस बुक में रेखा के बारे में कई सारे राज खोले गए। इस किताब को यासिर उस्मान ने लिखा है। किताब लॉन्च होने के बाद जब ये खबर वायरल हुई कि रेखा संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती है, कहा गया कि ऐसा किताब में लिखा है। इस खबर के आने के बाद यासिर उस्मान ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये गलत खबर है, मेरी किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं। यासिर ने संजय दत्त और रेखा के अफेयर की अफवाह को लेकर एक पूरा किस्सा भी बताया था। आपको बता दें कि कुछ सालों पहले जब रेखा और संजय ने एक फिल्म साथ की थी, तब से ही दोनों के अफेयर की खबरें उड़ी थी। रेखा और संजय ने 1984 में आई फिल्म जमीन आसमान में साथ काम किया था। इस फिल्म से उनके अफेयर की खबरें आने लगी थी। यहां तक कि ये भी अफवाह उड़ी कि दोनों ने शादी कर ली है। अफवाहें बढ़ी तो संजय दत्त ने मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इस खबर को झूठा बताया था। संजय और रेखा ने कभी शादी नहीं की। संजय उन दिनों अपने पर्सनल लाइफ से काफ़ी परेशान थे। रेखा ने सिर्फ उनकी मदद की थी, वो भी इस दर्द को झेल चुकी थी। संजय दत्त के अलावा रेखा का नाम अमिताभ के साथ भी जोड़ा गया। इन दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर उन दिनों उफान पर थी, इसलिए ये दोनों आज तक एक दूसरे के सामने आने से कतराते हैं। रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने ऑन स्क्रीन में एक से एक हिट फिल्में दी हैं। 80 के दशक की सबसे चर्चित जोड़ी अमिताभ और रेखा आज उम्र के उस पायदान पर खड़े हैं जहां सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से आज तक दूर रहते हैं। तो ऐसा क्या कारण है जो ये दोनों दूर रहते हैं? ना ही रेखा और ना ही अमिताभ दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहते। रेखा अमिताभ की फिल्में देखकर उनकी तारीफ करती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहती हैं कि वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। सभी अमिताभ और रेखा के अधूरे प्यार के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्यार का पूरा सच कोई नहीं जानता। रेखा और अमिताभ ने फिल्म सिलसिला के बाद एक साथ कभी भी काम नहीं किया। रेखा और अमिताभ ने एक साथ कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें गंगा की सौगंध, खून पसीना, नटवरलाल, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर और सिलसिला शामिल है। यश चोपड़ा निर्देशित सिलसिला दोनों की आखिरी फिल्म थी जिसमें दोनों ने साथ काम किया। इसके बाद अमिताभ और रेखा को एक साथ नहीं देखा गया। 1966 में दक्षिण भारतीय फिल्म रंगूला रत्नम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली रेखा उस फिल्म में बाल कलाकार थी। रेखा का जीवन किस्सों और अटकलों से भरा पड़ा है। कभी लोगों ने उनके सिंदूर के पीछे का राज जानने की कोशिश की, तो कभी सेक्रेटरी फरजाना के साथ संबंधों में दिलचस्पी दिखाई। रेखा और उनके सेक्रेटरी फरजाना के बारे में क्या क्या लिखा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? रेखा के साथ आपने अक्सर एक महिला को देखा होगा। ये महिला रेखा की परछाई मानी जाती है। इस महिला का नाम फरजाना है, जो करीब 32 सालों से रेखा के साथ है। रेखा के उनकी सेक्रेटरी फरजाना के साथ सेक्सुअल संबंध है। इतना ही नहीं, रेखा के बेडरूम के बारे में भी कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी गई है। कहा गया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। दोनों एक दूसरे से पति पत्नी की तरह व्यवहार करते हैं, वहीं फरजाना का पहनावा पुरुषों की तरह है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन रेखा के बारे में कब क्या कहा गया है ये ज़रूर बताया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को अपनी बहन मानती है, लेकिन बाहरी दुनिया दोनों के संबंधों पर आज तक केवल अटकलें ही लगाती रही है। सच्चाई किसी को नहीं पता। रेखा के बारे में कई सारे राज हैं और उम्र के इस पड़ाव पर जवान दिलों को आज भी धड़काने वाली रेखा आज अपना जन्मदिन मना रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।